सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने लौटवाया पवन सिंह का डिलीट हुआ गाना वापस। तो दोस्तों क्या है खबर की पूरी जानकारी और कैसे लौटवाएं खेसारी लाल यादव भी पवन सिंह का डिलीट हुआ गाना बताएंगे हम आपको पूरी जानकारी और पूरी डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि पवन सिंह का एक गाना जो कि बोलबम का था जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसके वजह से खूब ज़्यादा बवाल मच रहा है और दोस्तों वह गाना को बताया जा रहा है कि पवन सिंह इस गाने को चुरा कर गाए हैं और दोस्तों इस गाने को चुराने की वजह से खूब ज़्यादा बवाल चल रहा है जिसके वजह से आदित्य सिक्ती के द्वारा पवन सिंह के इस गाने को स्ट्राइक मार कर इस गाने को डिलीट कर दिया गया था और वहीं पर यह गाने को अचानक आ जाना कहीं ना कहीं एक शोकजनक बात है। और दोस्तों इस खबर को सुनकर खूब ज़्यादा सोशल मीडिया बवाल हो रहा है कि यह गाना अचानक से डिलीट होकर अचानक से आ जाना। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कुछ पवन सिंह के फैंस का कहना है कि यह गाना जो कि खेसारी लाल यादव के द्वारा हटवाया गया था और वहीं पर खेसारी लाल यादव के द्वारा ही लाया गया है। लेकिन दोस्तों वहीं पर खेसारी लाल यादव का बयान आया है जिसमें बताया जा रहा है खेसारी लाल यादव का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आप सोचने वाली बात यह है खेसारी लाल यादव क्यों ऐसा करेंगे जो कि पवन सिंह के गाने को डिलीट करवाएंगे। लेकिन दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि पवन सिंह का यह गाना जो कि चोरी की वजह से ही स्ट्राइक मारा गया था आदित्य शक्ति के द्वारा और दोस्तों यह गाना इसी वजह से हट गया था। अब पता नहीं किसी कारणवश यह गाना फिर से वापस आ गया है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।